देखिए कितना तेज लहर आ रहा है, ये देखो ये। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? हम तो मस्त एकदम, बहुत बढ़िया है। और काफी दिनों के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और अब हमारी तबीयत हो गई है एकदम से ठीक। तो अब आएंगे डेली व्लॉग और मुंबई वाले मस्त मस्त। तो आज हम चल रहे हैं आपको मुंबई घुमाने के लिए, और मुंबई में हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए आगे आपको पता चल जाएगा। तो चलो फिर चलते हैं। तो जी हम आपको बता देते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं प्रियदर्शनी पार्क, जो कि मालाबार हिल में पड़ता है, और हम लोकल से आए थे। तो हम उतरे हैं ग्रांड रोड और यहाँ से टैक्सी करके जा रहे हैं प्रियदर्शनी पार्क। तो अभी सिग्नल है इसलिए रुके हुए हैं। फाइनली हम आ चुके हैं मालाबार हिल में। हम आपको बता देते हैं कि ये जो मालाबार हिल है ना, ये मुंबई का सबसे ज्यादा रिहायशी एरिया है। यहाँ पे आपको मुंबई के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन, मतलब मुंबई के नहीं, हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन अंबानी जी हैं, उनका घर इंटीलिया यहाँ से दिखता है। ये है नेहरू पार्क और इधर है हैंगिंग गार्डन, और प्रियदर्शनी पार्क नीचे है। वो अभी बंद था तो हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सीएम का घर भी है यहाँ से थोड़ा सा आगे। हम टैक्सी से आए इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पाए, वापसी में हम पैदल चलेंगे तो दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं इधर हैंगिंग गार्डन में, और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जूता, वही जूता जो हम पैर में पहनते हैं। मालाबार हिल आने के लिए देखिए यहाँ पे बसें चलती हैं डायरेक्टली स्टेशन से, तो इन बसों पे बैठ के आप आ सकते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये मुंबई का सबसे ज़्यादा रिहायशी एरिया है, और यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। तो ये हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ की सबसे खास बात क्या है वो हम आपको आगे दिखाते हैं चल के। यहाँ आने के बाद ना एक अलग ही वाइब आता है भाई कि ज़िंदगी में कुछ करो। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जब आप आते हो ना, यहाँ जितने भी पार्क हैं किसी भी पार्क में कोई एंट्री फीस, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। विदाउट एनी चार्जेस आप आराम से घूमो। तो ये देखो जी, हमारे पीछे है दुनिया का सबसे बड़ा जूता। आज तक आपने जूता सिर्फ अपने पैरों में पहना होगा जैसे कि हमने पहना है, लेकिन ये जूते का घर आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा ना। ऑफ कोर्स देखो, इतना बड़ा है ये, इसके अंदर वहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी शायद जाना अलाउड नहीं है कि क्या है, अंदर पूरा घर जैसे बना है। तो आप देखते हैं अंदर जाना अलाउड होता है तो हम अंदर चलते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ और, अपनी नज़र ज़रा इधर गौर फरमाइए, देखिए यहाँ से पूरा मुंबई दिख रहा है, मतलब मरीन ड्राइव यहाँ से दिखता है पूरा, और गिरगांव चौपाटी भी दिखता है। तो हम वहाँ तो आपको ले जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ चलते हैं। अरे ये देखो जी, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वो भैया अंदर बैठे हैं। देखो जूते के अंदर पैर होता है, लेकिन इसके अंदर घर है। अंदर अंदर आ सकते हैं क्या? बच्चे लोग आते हैं। बच्चे लोग? हम भी तो बच्चे ही हैं। ऊपर अलाउड नहीं है? बच्चे लोग का, हमारा साथ चले जाएगा। अच्छा अभी कोई नहीं, हम भी तो बच्चे हैं, जाने दे दीजिए भैया, चले आएंगे, बस ऊपर जाके देख के चले आएंगे क्या दिखता है ऊपर से। प्लीज जाने दीजिए ना। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। अंदर से हम दिखा सकते हैं, देखो वहाँ पे जैसे घर की बालकनी होती है ना, वैसे बालकनी बनी है। और ये इधर से है, इसका बच्चों के लिए है। खैर हम तो अब बच्चे रहे नहीं, आपके बच्चे तो इधर से बन रही है, लगा हुआ है ये सीढ़ी है, उधर से आ इधर से दिखा। ये देखिए यहाँ से ये गेट भी बना है। अच्छा ये बंद कर देते हैं क्या रात में? हाँ, ये यहाँ पार्क का टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से रात 9 बजे। तो यहाँ सीढ़ियाँ से ऊपर जाके मस्त बढ़िया, लेकिन बच्चे रहेंगे तब, बड़ों को नहीं जाने दिया जाता। तो देखो जी, जैसे हमारे जूते में लेस होता है ना, वैसे ये लेस बनी हुई है, और इसके ऊपर देखिए घर बना हुआ है मस्त, आप वहाँ पे जाके, लेकिन बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो कितना सुंदर लग रहा है इतना बड़ा सा, पहले कोई भी जा सकता था, हम जैसे लोग भी, लेकिन अभी मना हो गया है। और यहाँ से इसकी खिड़की है, अंदर का हम आपको दिखा ही चुके हैं कि आप सांस भी ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि जूते में पैर डालने के बाद समझ जाओ। तो
जी ये जो हैंगिंग गार्डन है ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे जब आप आते हैं ना यहाँ पे आपको मतलब इतने अलग अलग किस्म के प्लांट पौधे फूलों की वैरायटी देखने को आपको मिलेगी जिनका नाम हमको भी नहीं पता है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग पौधे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आके आप नेचर को ना एकदम अपने पास फील कर पाएंगे। जैसे होता क्या है ना, लोग मुंबई में रहते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी, ची चू कू कू होता रहता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद चिड़ियों की आवाज़ आती है मस्त एकदम। और कोई भी पेड़ को देखो ना एकदम अलग ही दिखता है, एकदम सुंदर। और यहाँ से पूरे मुंबई का व्यू दिखता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे हवा इतनी अच्छी आती, मन करता है सो जाओ, जिसको भी देखो कहीं ना कहीं लेता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम पेड़ पौधे पत्तियाँ दिखाने आए, तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे विदेशी लोग जो मुंबई आते हैं वो ज़रूर आते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं नेहरू पार्क जो कि हैंगिंग गार्डन के सामने ही है, और यहाँ से दिखता है हमारे देश के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनका घर एंटीलिया। तो चलो दिखाते हैं। तो जी गार्डन में एंट्री करते ही हम आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ की मिट्टी जो है लाल है एकदम से। और ऐसे जब हम इसके पहले कई बार आए ना तो इतना ज़्यादा फूल था इस पूरे गार्डन में दिखता था, लेकिन अभी फूल कम है क्योंकि फूल के पेड़ पौधों को काट दिया गया है कुछ। और इस तरीके से यहाँ प्लांट को बनाया गया है ना कि जैसे वो एनिमल लगते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे तो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी, उनका घर ये देखो एंटीलिया हाउस, ये दिख रहा है आपको, देख लो, कोई आपको दिखाएगा नहीं। तो नॉर्मली लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए आते हैं यहाँ के जो लोग हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। तो जी हम चल रहे हैं, ये देखो फॉरेनर आ रहे हैं ना, वो भी यहाँ पे घूमने टहलने के लिए आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये टूरिस्ट हैं। देखो लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आके यहाँ मस्त बैठते भी हैं क्योंकि यहाँ पे शांति मिलता है। ये जो नेहरू पार्क है ना पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, बस ये जॉगिंग करने के लिए ही रह गया है। अब तो यहाँ आप घूमने के पर्पज से तो आ ही नहीं सकते हैं। आप इसके सामने जो हैंगिंग गार्डन है वहाँ पर आप ज़रूर घूमिए, वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छा है, बट ये उतना नहीं है, ये बस वॉकिंग के लिए है। तो आप आइए वॉक करके चले जाइए। अभी हम चल रहे हैं प्रियदर्शनी पार्क जहाँ के लिए हम आए थे और वहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो हम आपको बताएंगे भी कि वो क्या है। तो भाई यहाँ से प्रियदर्शनी पार्क 1 किलोमीटर पड़ता है, और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, इधर है हैंगिंग गार्डन और ये है नेहरू पार्क, और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो हम बैठ चुके हैं टैक्सी में प्रियदर्शनी पार्क। तो अगर आप हैंगिंग गार्डन या नेहरू पार्क आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। देखिए इधर पूरे स्ट्रीट फूड की शॉप लगी हुई हैं, और यहाँ पे आप बस से भी आ सकते हैं, बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं। आप यहाँ से प्रदर्शनी पार्क पैदल भी जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप पैदल जाइए या फिर आप टैक्सी करके जाइए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो देखिए हम अभी पहाड़ पे हैं, मलबार हिल पूरा पहाड़ के ऊपर है, और अभी हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ये देखो ढलान है पूरा यहाँ से, टें टें। मैडम लोग गाड़ी नहीं चला पाती ना, लेके बस उड़ती है, गलत जगह, सही बोले, एकदम सही बोले, यही बरे हम नहीं चलाते हैं मुंबई में। सही में यही बरे नहीं चलाते हैं, काहे कि कहूँ ठोक दे हम तो नहीं। अच्छा ऐसा, तब अब हम भी अपनी कार लेके आएंगे चाहे जहाँ ठुकाए। हाँ ये भी सही है, अपना बचा के चलेंगे हम भी। तो ये देखिए जी सामने है प्रियदर्शनी पार्क, हम रोड के इस साइड खड़े हुए हैं, प्रियदर्शनी पार्क उस साइड है। तो अभी हमको क्रॉस करना है रोड, रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, और आपको इधर देख के ऐसा नहीं लग रहा कि रोड पे टाइल्स बिछा है, कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज हम आ चुके हैं प्रियदर्शनी पार्क में, और ये जो पार्क है ना हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा, और वो इसलिए क्यों बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर पता है कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता तो आगे हम आपको बताएंगे। तो ये देखो जी जैसे ही आप प्रियदर्शनी पार्क में एंट्री करोगे ना, जैसे इसका नाम है प्रियदर्शनी पार्क, वैसे ये दिखने में भी है एकदम मस्त,
देख रहे हो पूरा हरियाली, और पता नहीं क्यों इसको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो इधर पूरे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है भाई, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि हम गोवा ओवा में आ गए हैं बीच पे। इधर पूरे नारियल के पेड़ है, उधर साइड पूरा समंदर है। अभी हम उधर भी चलेंगे, दिखाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये वाला जो पार्क है ये हमारे दिल के इतने करीब इसलिए क्योंकि यहीं से हमने अपना YouTube चैनल का पहला वीडियो बनाया था। अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो बताते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं और उन्होंने हमको बताया भी था। जब पर्सनली वो हमसे मिले तो उन्होंने बताया अपने प्रियदर्शनी पार्क का पहला वीडियो बनाया था, हमने देखा है, हम यहीं पे बनाए थे उधर जाके। तब हमको बोलना भी नहीं आता था भाई, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। हम आए थे यहाँ खड़े, जैसे यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ खड़े होकर शूट कर रहे हैं ना, देखते अरे वो लोग आ रहे हैं, अरे पीछे हैं लोग, बहुत डरते थे। कम से कम एक वीडियो हमारी पूरे दिन लग गया था शूट करने में, और तब भी उतना अच्छा हम बना नहीं पाए थे उसको। इसीलिए ये जो पार्क है ना, स्टार्टिंग में सबको हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है कैमरे के सामने आने में, और बहुत सारी चीज़ें हम क्या बोलें, क्या दिखाएं, कैसे शूट करें, समझ में नहीं आता। लेकिन आज हम यहाँ हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम कई बार आए हैं, लेकिन हमारा चैनल आज के टाइम पे इतना ग्रो कर लिया हमने, बहुत बड़ी बात है। और इतना होने के बाद हम आए ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखो इधर से पूरे नारियल के पेड़ हैं, यहाँ से पूरा ऐसे गोल गोल, इधर से हम आए हैं। ये पूरा गार्डन है, मतलब पार्क पूरा, लोग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ लोग अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने, खेलने कूदने। यहाँ पे बहुत सारे गेम जोन भी हैं उधर, मतलब फुटबॉल क्रिकेट लोग खेलते हैं। और उधर साइड में पूरा समंदर है, बीच है, हम अभी वो भी दिखाएंगे। और ये जो प्रियदर्शनी पार्क है ना, यहाँ पर भी कोई टिकट वगैरह नहीं है, विदाउट एनी टिकट आप यहाँ पे घूम सकते हो। यहाँ पे उधर सामने झूले वगैरह भी हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है। ये देखो यहाँ पे बच्चे आपके बहुत मस्त से बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं। और फूल वगैरह देख रहे हो, सब कुछ, मतलब यहाँ की अलग ही वाइब आती है। ये देखो जी, यहाँ पे इतने सारे नारियल के पेड़ लगे हैं कि मन करता है कि तोड़ तोड़ के नारियल पानी पिएं, लेकिन सब पहले ही तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे चेयर बहुत सारी लगी हैं, आप कहीं पर भी बैठ सकते हो। देखो लोग सो भी रहे हैं आराम से। और इधर सामने है समंदर। और ये जो काम चल रहा है ना, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, अभी तक बना ही नहीं, पता नहीं क्या बन रहा है। तो देखिए ये पूरा पार्क है, इधर पूरे नारियल के पेड़, बैठने की चेयर सब लगी हैं। और इधर पूरा ऐसे ओपन गार्डन है, वहाँ पे देखिए प्ले का है पूरा मैच, क्रिकेट, मतलब क्रिकेट फुटबॉल सबका है, जहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं। देखो ये सब खेल रहे हैं। और इसके आगे इधर है समंदर। तो जब हम अपना पहला वीडियो बनाए थे ना, ये यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे बनाए थे, और बार बार हाय गाइस कर रहे थे। चलो अभी चलते हैं समंदर के पास में। और यहाँ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ये देख रहे हो जैसे सांप लग रहा है, इतना ज़्यादा चमक रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह और शाम, तो आप सुबह और शाम में आ सकते हो। और सबसे ज़्यादा डर पता है कहाँ लगता है, ये समंदर के पास में, वहाँ पे देखिए कितना तेज लहर आ रहा है, ये देखो ये। अरे हमारा जूता भीग जाएगा, इतना डर लगता है यहाँ पे, दो सेकंड में एकदम यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गहरा है और इतना छोटा सा स्पेस है, इसीलिए लहरें बहुत तेज तेज आती हैं। बाप रे, यहाँ से दिखता है कि समंदर कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले ही दिल धक धक करने लग गया। ये देखो लहर आई, ये कितना तेज पानी फेंकता, भड़ाम भड़ाम, और जो इसकी आवाज होती है ना समंदर की लहरों की, वो सबसे खतरनाक होती है। ये देखो इतनी तेज और तरीकी, एक बार लहर आती ना छोटी रहती, उसके बाद और बड़ी लहर आती। देखो उतनी दूर से कितनी बड़ी लहर आ रही, वो देखो अभी आ रही आ रही आ रही। और एक बात और है, समंदर में गंदगी जो फेंकते हैं ना, समंदर बाहर कर देता है। ये देखो मतलब एक सेकंड नहीं लगता दूसरी लहर आने में, तू पूरा पानी फेंकती रहती है बाहर। आप बीच पे जाओगे ना, बीच पे लहर आता है, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे पूरा ऐसे स्पेस रहता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे जैसे कंजस्टेड टाइप है ना, पत्थर वत्थर रखे हैं, उसको ओपन इतना ही मिल रहा है, इसीलिए इतना तेज लहर आ रहा है। वो देखो लोग वहाँ से देख रहे हैं ऊपर चढ़ के। देखिए यहाँ पे योगा क्लास भी चलती है, सुबह 7 बजे से 8 बजे और उसके बाद 10:30 से 11:30। कितना बढ़िया है, यहीं पे पूरा योगा क्लासेस चलती हैं। हम एक दो बार जब सुबह आए थे
सुबह एकदम 7 बजे तो हमने देखा इधर ही पूरी क्लासेस चलती हैं। तो भाई घूम घूम के थक गए हैं, आप खाने जा रहे हैं पानी पूरी 30 रुपए का एक प्लेट, सिर्फ तीखा, मीठा नहीं। भाई यहाँ तीखा का मतलब होता है नॉर्मल पानी, मीठा बोल देंगे तो मीठी चटनी डाल देंगे, नॉर्मल मतलब उसको क्या होता है कैसे, नॉर्मल मतलब दोनों मिक्स है ना। तो जी अब हम यहाँ से टैक्सी पकड़ के सीधा चल रहे हैं घर। कैसा लगा हमारा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं वहां से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।